नमस्कार, और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। आज हम देखने जा रहे हैं राग अभोगी। जिस गाने से मैंने शुरुआत की थी, बहुत ही प्यारा गाना फिल्म पड़ोसन से, अभोगी के बहुत करीब जाता है यह गाना। थोड़ा सा डिविएशन है, किंतु मेरे ख्याल से अभोगी के पास सबसे अच्छा यही एक गाना नज़र आता है। मेरी नज़र में अभोगी भी वही एक अधूरा सा राग है। आपको याद होगा तो हमने बात की थी कलावती और जनसम्मोहिनी की, और कहा था कि ये राग आगे जा कर के संपूर्णता प्राप्त करते हैं जब वो झिंझोटी बन जाते हैं। कुछ वैसे ही होता है मेरे ख्याल से अभोगी के साथ में। अभोगी लगता है बहुत अधूरा अधूरा सा, और फिर आगे जाके वो कहाँ संपूर्ण होता है, चलो देखते हैं। राग अभोगी 5 ही स्वरों का राग है, पंचम नहीं है इसमें, मध्यम प्रबल है तो तानपुरे में भी मध्यम में लगा हुआ है। 5 स्वर है, कोमल गंधार है, शुद्ध ऋषभ है, मध्यम और फिर एकदम से धैवत। अच्छी स्वर है, लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह है कि उसका जो पूर्वांग है और उत्तरांग में सिर्फ दैवत है, तो कोई संवाद नहीं मिलता है। यहां पे कोमल गंधार है, उससे कोई मेल नहीं खाता उत्तरांग में। ऋषभ और दैवत जरूर है, मध्यम के साथ कुछ मेल नहीं खाता शर्ज के सिवा, इसीलिए शायद ये राग फिर अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। हमने कलावती की बात की थी तो थोड़ा गौर से देखते हैं तो अभोगी जो है कलावती की मूर्छना है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं मेरे मध्यम को शर्ज मान लूं ये कलावती बन जाता है। सा ग प ध नि द प ग सा ग प ध नि द प ये कलावती है। इन्हीं सुरों को हम फिर अपने शर्ज में लेके आएंगे तो ये मिलता है। अभोगी है ये, अभोगी जो है कलावती की मूर्छना है मध्यम से। तो बात वही है, जैसे कलावती को हमने अधूरा कहा था, अभोगी भी अधूरा सा लगता है, क्योंकि दैवत और ऋषभ के सिवा और कोई पेयर नहीं मिलता है, और कोई स्वर संगति नहीं मिलती है, और शर्ज मध्यम तो है ही। और फिर हमने जैसे कहा था पिछली बार, ये जो स्केल है उसमें हम इन्हीं 2 स्वर संगतियों को लेकर के अपना चलन ढूंढने लगते हैं।
जो आंदोलन हो रहा है हमें कानाडा की याद दिलाता है। तो जब भी इसका ज्यादा प्रयोग होगा तो ये अभोगी कानाडा भी कहलाएगा। इसी स्वर समूह में अगर हम कोमल निषाद को ऐड कर दें तो बन जाता है राग बागेश्री। बागेश्री में पंचम भी है। तो अभोगी में एक सुर ऐड करने से उसको पूर्णता प्राप्त होती है बागेश्री के रूप में। लेकिन इस निषाद के बिना अभोगी अधूरा ही रहता है। बंदिश सुनते हैं अभोगी में, एक ताल में निबद्ध है।
तो ये रहा थोड़ा सा अधूरा लेकिन बहुत प्यारा राग अभोगी। अगले हफ्ते हम देखेंगे बागेश्वरी का और एक रूप, थोड़े से परिवर्तन से हमें मिलता है राग रागेश्वरी। देखते हैं अगले हफ्ते।